हे गाइस व्हाट्स अप, दिस अयाज एंड यू आर वाचिंग वेल फ्रेश, जहां पर आपको आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन और वेलनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि आप स्टे वेल रहें, हेल्दी रहें और अवेयर हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल की इंट्रो की बात करते हैं तो चैनल बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि आप तक सही जानकारी को मैं पहुँचाऊँ, जिससे आप अवेयर बने, स्टे वेल रहें, क्योंकि आज भी आपके मन में बहुत सारे मिथ होते हैं अपनी हेल्थ केयर को लेके, अपनी हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन को लेके कि क्या चीज़ ये हमारे जानने के लायक है या क्या चीज़ हमारे जानने के लायक नहीं है। बहुत सारे सवाल होते हैं जिन्हें हम यूँ ही छोड़ देते हैं कि अपने बस का नहीं है, ऐसे हम नहीं समझते। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा अपनी वीडियो के ज़रिए कि आप, ताकि आप अवेयर बने और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, आज की हमारी पहली वीडियो का पहला टॉपिक है फेस मास्क। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे फेस मास्क का टॉपिक मैं अब क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने पहले से ही हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब उसका यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। लेकिन गाइस, मुझे अभी भी लगता है कि आप लोगों को अभी तक बहुत सारी जानकारी नहीं है कि हम किस चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या चीज़ फेस मास्क में यूज़ कर रहे हैं, फेस मास्क के टाइप्स कितने होते हैं, उसको पहनना कहना क्या क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, कितने अवेयरनेस हमारे अंदर है उस फेस मास्क को लेके। तो उसी को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को आज ज़रूरी समझा आप तक शेयर करने की, ताकि आप अवेयर बने और अपने हेल्थ केयर का पूरा पूरा ख्याल रखें। हम सब जानते हैं कि आज से 4 महीने पहले हम फेस मास्क के बारे में पता तो था, जानते तो थे कि ये चीज़ एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम चेहरे पर लगा के अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इन्हेलेशन में, पर इस चीज़ पर हम बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि हमें हो सकता है आगे जाके इतना ज़्यादा इसकी नीड हो सकेगी कि हर किसी को गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हर किसी को जब भी बाहर निकलना है तो आप फेस मास्क का यूज़ करना ही करना है, ताकि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सके। कोरोना का कहर हमारे इंडिया में आया है तब से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी हो चुका है कि हम अपनी देखभाल करें, अपने परिवार की देखभाल करें और फेस मास्क का प्रॉपर यूज़ करें और दूसरों तक भी इस बीमारी को फैलने से रोकें और खुद को भी अपनी इस बीमारी से बचाएं। COVID-19 एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसी, जुकाम और छींक के ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक दूसरे में स्प्रेड होता है। तो गाइस, आपको बता दूं, वायरस तब तक हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता जब तक हम खुद उसे अपनी बॉडी में एंटर ना करा दें। इसलिए हमें फेस मास्क का यूज़ किया गया है ताकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं, अगर उससे वायरस का इन्फेक्शन आपको होता है तो जाहिर सी बात है आप कुछ काफ़ी देर में इंसान अपने चेहरे को टच करता है, जिससे वो वायरस उसके चेहरे से होकर उसकी बॉडी तक फैल सके। पर इसी चीज़ को बचने के लिए हमें अप्लाई WHO के नियमानुसार हमें फेस मास्क को कंपलसरी यूज़ करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है, ताकि इस बीमारी से खुद को बचाया जा सके और अपने परिवार वालों को भी इससे बचाया जा सके। तो गाइस, अब बात आती है अवेयरनेस की कि हम कितना ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि जिस मास्क को हम पहन रहे हैं क्या वो हमारे लिए सूटेबल है, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम जिस मास्क को पहन रहे हैं क्या वाकई वो हमारी सेफ्टी कर रहा है, या हम सिर्फ उसे पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, पर उसका कोई भी फ़ायदा हमारी बॉडी को नहीं हो रहा है, उल्टा हम इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं उसके गलत इस्तेमाल से। तो इस बात पे हमें अवेयर रहना है कि हम किस चीज़ को ले रहे हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इन्फेक्शन से वो हमें बचा रहा है। एक चीज़ और है कि काफ़ी ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है कि इस चीज़ से ज़्यादा सेफ्टी है, इस सैनिटाइज़र से आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, इस हैंड वॉश से आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, ये वाला मास्क यूज़ करने से आप ऐसे सेफ रहेंगे, और ये वाला मास्क यूज़ करने से आप घर में ये यूज़ करें, बाहर ये यूज़ करें, ऑफिस में ये यूज़ करें, मेडिकल शॉप में ये यूज़ करें। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो आपको झूठ भी बोली जाती है कि आप ऐसा करिए, इसको यूज़ करिए, इस चीज़ से परहेज करिए। कुछ बातें सच होती हैं पर कुछ बातें में सच्चाई नहीं होती है, जिससे आप में आपके अंदर और भी ज़्यादा अनअवेयरनेस आती जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, अब हम मास्क को डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ी बात, हम मास्क का सिलेक्शन सही तरीके से करें कि हमें किस मास्क की ज़रूरत है, हम कैसे एरिया में रहते हैं, कौन सा जोन हमारा है, वहाँ पर किस चीज़ की नीड है। अगर हम घर पर रह रहे हैं तो घर में तो नो डाउट हम अच्छे से रहते हैं, फ्रेशनेस रखते हैं और काफ़ी हाइजीनिक रहते हैं, तो हमें मास्क की उतनी ज़्यादा ज़रूरत घर में नहीं होती है। लेकिन जैसे ही छत पर जाते हैं, बालकनी में जाते हैं, हो सकता है उस टाइम भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि क्या पता कौन सा इन्फेक्शन क्या चीज़ है और कौन से पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, क्या चीज़ हमें नुकसान कर जाए। ज़रूरी नहीं है कोरोना ही हो, पर और भी कई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जो हम सांस लेते हैं या मुंह से या नाक से हमारे अंदर एंटर करते हैं, और हो सकता है दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अवेयर रहें और सही मास्क का सिलेक्शन करें अपनी नीड के हिसाब से। तो वह सेफ्टी के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए 2 मास्क को ही इंक्लूड किया जाता है, एक होता है सर्जिकल मास्क और एक होता है N95 मास्क, जिसे हम
रेस्पिरेटरी मास्क भी कहते हैं और सर्जिकल मास्क को 3-ply मास्क भी कहा जाता है। याद रखिए, सर्जिकल मास्क नॉर्मल पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और N95 मास्क मेडिकल प्रोफेशंस के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिस्क रहता है कि इन्फेक्टेड पीपल्स के ज़्यादा करीब आने पे और ज़्यादा करीब आने से, और उनको ज़्यादातर रिस्क रहता है उनके उन्हें बैक्टीरिया खुद ट्रांसमिट ना हो जाए, खुद वो कंटेनमेंट ना हो जाए बैक्टीरिया के और उन्हें वायरस ना फैल जाए, इसलिए उन्हें N95 मास्क की ज़्यादा नीड होती हम नॉर्मल पीपल से ज़्यादा। बात करें सर्जिकल मास्क की, तो सर्जिकल मास्क एक डिस्पोजेबल डिवाइस होता है जो हमारी नाक, मुंह और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करता है, ताकि जब हम सांस लेते हैं तो एनवायरनमेंट में और हमारी नाक और मुंह के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जो इन्फेक्टेड एयर होती है, वो हम इनहेल ना करें। तो एज इंडिया में सर्जिकल मास्क कॉमनली 3-ply में अवेलेबल होता है, जिसकी आउटर लेयर फ्लूड रिपेलेंट होती है, यानी वो मॉइस्चर को, छींटे को अंदर नहीं आने देता, उसको रोक के रखता है, और उसकी जो मिडिल लेयर होती है वो बैक्टीरिया रिपेलेंट होती है, यानी वो बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और अंदर नहीं आने देता। एंड लास्ट जो इनर लेयर होती है वो एक मॉइस्चर रिमूवल लेयर होती है, जिससे हमारी स्किन में मॉइस्चर स्टोर नहीं हो पाता, उससे वो एब्जॉर्ब करता रहता है ताकि फ्रेश रहे। तो वैसे एक बात और याद रखना कि जब भी आप मास्क को परचेज़ करें तो वो एक पैकेजिंग में अवेलेबल होना चाहिए, वो मास्क पूरा पैक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो खुला हुआ है, किसी भी हालत में रखा हुआ है, तो वो खुद एक सेल्फ वायरस या इन्फेक्शन का कंटामिनल बन सकता है। और याद रखें गाइस, अपने मास्क को हमेशा बैक साइड से ही टच करें, उसे निकालें या पहने या कुछ भी करें, उसको बैक साइड से ही एडजस्ट करना है और उसे टच करना है। कभी भी अपने मास्क को चेहरे से नीचे करके अपने नाक के पास नहीं लेकर आना और ना ही गले पर लेकर आना है, क्योंकि हम उस मास्क को टच करते हैं वैसे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे अंदर फैल ही जाता है, तो कोई भी मतलब नहीं होता है उस मास्क का यूज़ करने में जो हमें वो फ़ायदा पहुँचाए। इसके बाद जो मास्क आता है उसे कहते हैं गाइस N95 मास्क, जिसे रेस्पिरेटरी मास्क भी कहते हैं, जो ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशंस में यूज़ होता है, जिसमें खासियत ही होती है उसे N95 इसलिए बोला जाता है क्योंकि WHO ने उसे 95% एयर पार्टिकल्स को रोकने की क्षमता बताया है, इस वजह से उसका नाम ही N95 कहा गया है, जो कि 2.5 mm में होता है। उसमें खासियत ये होती है कि उसमें फ़िल्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उस बैक्टीरिया को ज़्यादातर 95% क्लीन कर देता है, और उसमें स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना एयर टाइट मास्क होता है गाइस, इतना एयर टाइट कि स्मॉल पार्टिकल अंदर आ ही नहीं सकते एयर के, प्लस उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है जो कार्बन फिल्टर होता है, जो हमारी एक्सहेल वैल्यू होती है सांस लेते हैं उसे तो इन्हांस करता ही करता है, साथ साथ कार्बन जो होता है एयर में मिक्स होता है उसे अंदर आने पे फिल्टर कर देता है, जिससे फ्रेश एयर हम अपने एक्सहेल करते हैं और सांस में लेते हैं। N95 मास्क गाइस रीयूजेबल होता है, वॉशेबल होता है, कम से कम इसे 20 से 25 बार हम वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, जितना ही कंपनी इसमें क्लेम करती है, और ये सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से भी 20 से 25 बार तक ही धो सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इसे हम चेंज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि हम जब भी N95 मास्क का यूज़ करते हैं डेफिनेटली हम किसी डेंजर जोन में ही जाते हैं जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्टेड एरिया होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है कि जब भी अगर हम N95 मास्क पहन रहे हैं तो उसको बहुत ही टाइट फिट करें, जो कि उसकी टाई होती है उससे टाइट करना है, ताकि एयर बिल्कुल भी अंदर ना जाए, और ध्यान रखना है उसकी सेफ्टी के लिए कि हमेशा अपने हाथ को हैंड वॉश करें या सैनिटाइज करने के बाद ही मास्क का यूज़ करें, और मास्क का यूज़ करने के बाद मास्क को हाथ से टच ना करें, क्योंकि जब हाथ से टच करते हैं उसके अलावा कहीं फेस पर अगर टच कर देते हैं तो जो भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या वायरस उस पर होगा वो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली चला ही जाएगा, तो अपना ख्याल रखें और उस चीज़ पर भी ध्यान दें। एक चीज़ और अभी देखने को मिल रही है गाइस, के होजरी में, ठेले में, होजरी की शॉप में, अंडरगारमेंट्स की शॉप में मास्क को बेचा जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल कपड़े का मास्क होता है, तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप उसे पहने या ना पहने वो एक बराबर ही है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आता ही आता है और उतना ज़्यादा वो फ़िल्टर नहीं करता है जितना कि आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क ही ले लीजिए, उसमें 3-layer होती है, जो आपके आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर 3 layer से होकर अलग अलग फीचर में वो लेयर होती है जो आपकी सेफ्टी करती है, और एक नॉर्मल कपड़ा जो आप पहन कर आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी में है, सस्ते मास्क यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी एक सस्ते कपड़े को ही मास्क बना लेते हैं, तो उसमें मेरा जितना मानना है कि वो थोड़ा रिस्की है, वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा वो सेफ़ नहीं है, जो आप पहनकर इन्फेक्टेड एरिया में भी चले जाते हैं और
खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। तो कृपया इस चीज़ से बचें और सही मास्क का सिलेक्शन करें और अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। चलिए गाइस, मैं आपको मास्क का रिव्यू देता हूं और उसके कुछ फीचर्स दिखाता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। गाइस, ये चैनल का पहला वीडियो है जिस पर मैंने गिव अवे भी रखा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और चलिए आगे वीडियो में बताऊँगा मैं रिव्यूज़ में, मास्क के रिव्यू में, कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो बने रहिए। तो गाइस, हमारा पहला मास्क है सर्जिकल मास्क, जिसे 3-ply मास्क भी कहते हैं। गाइस, ये कुछ इस तरह का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। इसमें प्रेस स्टिचिंग होती है, जिसे प्रेस से स्टिचिंग करके फिक्स किया जाता है। और देखें, इसमें 2 एयर लूप्स होते हैं जो हमारे कान में आराम से फिट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा इसका इलास्टिक होता है जो कम्फर्टेबल होता है। पर ये मास्क गाइस अक्सर लूज़ होता है, मतलब चेहरे को पूरा एयर टाइट नहीं करता है, काफ़ी लूज़ फिटिंग होती है इसकी। और इसमें देखें 3 फिल्टर होते हैं जो मैंने बताया था। देखिए 3 लेयर होते हैं, 3-ply जो बोला जाता है इसको। ये होती है आउटर लेयर, ये होती है इनर लेयर, और बीच में एक लेयर होती है जिसे बैक्टीरिया रिपेलेंट लेयर कहते हैं, जो बैक्टीरिया को फिल्टर करती है। तो ये रहता है कुछ इस तरह का मास्क। और ऊपर देख सकते हैं एक नोज़ वायर का नोज़ क्लैंप होता है, जो हमारे नाक के पास के टाइट करने के लिए और मास्क को एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ध्यान देना है गाइस, फेस के मास्क को बीच में हाथ से टच नहीं करना है, केवल बैक साइड से ही इसे एडजस्ट करना है, निकालना है और पहनना है, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा मास्क आता है हमारा गाइस N95 मास्क, जो कि मेरे पास प्रीमा कंपनी का है। और भी काफ़ी सारी कंपनीज का ये मास्क आते हैं N95 ग्रेड के, पर मेरे पास अभी प्रीमा का है जिसको मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, जिसमें देख सकते हैं प्रीमा कंपनी है, ISO 9001:14001 सर्टिफाइड कंपनी है, जिसमें मेंशन है पैकेजिंग में कि फर्स्ट क्लास ग्रेड का है, 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, और ये इफ़ेक्टिव है ड्रॉपलेट हेज, जो ड्रॉपलेट के हेज होते हैं हमारी नाक या मुंह के अंदर जाने से, ये बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिवेंट करने में इफ़ेक्टिव होता है। चलिए, इसके फीचर्स को दिखाया गया है, ये किस चीज़ में सूटेबल है। पहला, आउटडोर वॉक में काफ़ी कम्फर्टेबल है और सेफ है, आउटडोर वॉक में, आउटडोर रनिंग में, आउटडोर वर्क एक्टिविटी, डेली कम्यूट्स यानी आना जाना, गाड़ियाँ चलाना, ट्रेवल्स आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट हम ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट्स में, उसके लिए राइडिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, मोटरसाइकिल राइडिंग करते हैं उसके लिए, और ड्राइविंग अक्सर कार में ही ड्राइविंग करते हैं तो उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कम्फर्टेबल होगा। इनडोर कार की कंडीशन में भी AC चालू करें या ना चालू करें तब भी उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगा। पीछे पैकेजिंग में दिखाया गया है इसके ट्यूटोरियल्स को, स्मॉल ट्यूटोरियल है जो पहनने के इंस्ट्रक्शन को बताया गया है। देखिए किस तरह पीछे से ही मास्क को पहनने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। इसमें कान के एयर लूप्स को जब ये एडजस्ट कर रहे हैं तो देखिए पीछे से ही इसे पकड़े हुए हैं, और यहाँ नोज़ में ऊपर क्लैंप होता है, नोज़ के ऊपर एक वायर का क्लैंप होता है जो हमारे ऊपर से एयर टाइट कर एडजस्ट करके एयर टाइट किया जाता है मास्क को। तो गाइस, चलिए अब इसको हम पैकेजिंग से इस पैकेजिंग को हम हटाते हैं और मास्क को निकालते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, ग्रे कलर में है। देखिए N95 ग्रेड है, 95% बैक्टीरिया को अंदर जाने से रुकता है। ये देखिए PM2.5 ग्रेड भी दिया हुआ है, और ये होता है गाइस फिल्टर, जो कि कार्बन फिल्टर होता है। तो चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, पहले दिखाता हूँ अंदर का। ये देखिए मास्क के अंदर की इनर लेयर होती है और ये आउटर लेयर होती है। इनर लेयर में देख सकते हैं आप बैक्टीरिया का फिल्टर लगा हुआ, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये पसीने को भी रोकता है, मॉइस्चर को भी रोकता है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, स्किन फ्रेंडली भी होता है। देखिए जिस तरह से फिल्टर लगा हुआ, ये बैक्टीरिया फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया को आपकी इन्हेलेशन में बैक्टीरिया को अंदर एंटर करने से रोका हुआ रहता है। ऊपर देख सकते हैं अंदर वायर का एक क्लैंप लगा हुआ है, जो कि आपके नोज़ में फिटिंग करने में ईजिली कम्फर्टेबल होता है। और एक चीज़ और बताऊँ, जब इसको आप पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये एयर टाइट हो जाता है आपके पूरे फेस से, चेहरे से लेके मुंह तक, यानी नाक से लेकिन मुंह के बीच तक, पूरा इसी गाल तक को कवर कर लेता है, और इतना टाइटली एडजस्टेबल फिट होता है कि ज़रा भी बाहर की एयर अंदर नहीं जाती है। जब मास्क को आप पहनते हैं तो जब मास्क लगाने के बाद एकदम इंश्योर कर लें कि हवा अंदर जा रही है नहीं जा रही है, यानी साइड से जो हवा अंदर जा रही है कि नहीं, उसको बिल्कुल कन्फर्म कर लें, क्योंकि बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है आपको यहाँ साइड से, जो एजेस हैं इस मास्क के वहाँ से बहुत ही केयरफुली इसका यूज़ करना है। इसको दबा के सांस लेके चेक करना है कि एयर कहीं से लीकेज होके आपके सांस में अंदर तो नहीं आ रही, क्योंकि
ज़्यादातर इस मास्क का यूज़ तभी आप करेंगे जब आप किसी कंटेमिनल एरिया में जाएंगे या ज़्यादातर आबादी वाले एरिया में रहेंगे या शॉपिंग वगैरह के लिए जाएंगे, मार्केट जाएंगे कुछ खरीदी के लिए, तभी आप ज़्यादातर इस मास्क को यूज़ करेंगे जहाँ आपका दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन होगा। और ध्यान रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सर, मास्क पहनने से ही आपकी सेफ्टी नहीं होगी, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, जो कि आप, क्योंकि मास्क लगाने से ही कोरोना नहीं फैल रहा है, मास्क नहीं लगाने से कोरोना नहीं फैल रहा है सॉरी, पर आपको ऑब्जेक्ट को टच करें उससे भी कोरोना फैल रहा है आपको। तो हमेशा हाथ को प्रॉपर वॉश करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और उसके अलावा फिर मास्क को यूज़ करें। मास्क के बीच को हाथ से बिल्कुल भी ना पकड़ें, बहुत ध्यान से केयरफुली इसका यूज़ करें। तो गाइज, मैंने वीडियो में आपको एक गिव अवे के बारे में बताया था कि मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने किसी दो फ्रेंड्स को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे DM करना है, जो कि वेलफ्रेश 5 के नाम से है। तो उसमें से किसी 3 पार्टिसिपेंट को, लकी विनर को मैं चूज़ करूँगा और उसे ये N95 मास्क गिव अवे में दिया जाएगा। तो गाइस, गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए अब इजाज़त, ताकि अगले बार आपके लिए ऐसे ही कुछ स्पेशल, इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस से लेकर वीडियोस में आप तक लेकर आऊं। तो चलिए, गुड बाय।